नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपना मैक मिनी M2 का सेटअप दिखाने वाला हूं। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो जरूर कंसीडर कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर आप ऑलराउंडर बनना चाहते हैं ये चैनल आप ही के लिए है। आप इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बिना देर के हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये जो मेरा मैक मिनी का सेटअप है, तो इस सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इस मैक मिनी M2 के बारे में। तो दोस्तों ये रिसेंटली एप्पल के द्वारा लॉन्च किया गया, 1 महीना पहले मैं इसको परचेस किया हूँ और इसका एक्सपीरियंस और इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग सारा कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और ये दोस्तों 8 GB और 256 GB SSD के साथ आता है, इसीलिए मैं सैमसंग का एक T5 SSD 500 GB का इस्तेमाल करता हूं, ताकि स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसका भी वीडियो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा फुल डिटेल। और इसके साथ एक T7 भी मैं परचेज किया हूं, उसका भी आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो ये दोस्तों ये लगभग 5,000 में आया था और ये लगभग 60,000 में। तो ये दोस्तों इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, हीट नहीं करता है। तो ये दोस्तों ये जो कीबोर्ड है ये HP का कीबोर्ड है, इसके साथ मैं HP का माउस भी लिया था जो कि वायर है और ये वायरलेस है। तो ये लगभग मुझे 1200 का पड़ा है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि इसमें 2 बैटरी लगती है, प्लास्टिक का है लेकिन बहुत मजबूत है और ये बहुत ही टैक्टाइल है। और ये ऑफलाइन जो इसका मैट है ये 50 रुपया तक आपको मिल जाएगा, नहीं तो कोई अगर आपका जो कंप्यूटर वाला दुकान है अगर परिचय है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको दे देगा। तो दोस्तों अब चलते हैं, ये जो मेरे पास जो ये iPad Pro है इसको मैं एज ए मॉनिटर इस्तेमाल करता हूँ। जब इस मैक मिनी को कहीं बाहर ले जाता हूँ आउटडोर के लिए तो एज ए मॉनिटर इसको इस्तेमाल करता हूँ। इस पर पार्टिकुलर वीडियो में बना रखा हूँ कि आप अपने iPad को मैक मिनी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप जाकर के चेकआउट कीजिए। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट की तरफ। ये जो है UPS है, ये APC का है, इसके बारे में क्या कहना है, इसका जो फुल डिटेल वीडियो है मैं चैनल पर डाल दिया हूँ, आप जाकर के जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये बहुत ही मल्टी फंक्शन ये UPS है और मैक मिनी और ये मॉनिटर के साथ और सारे के साथ बहुत अच्छा कंफर्टेबल है। बैकअप 20 से 25 मिनट बिल्कुल आराम से देता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर बैटरी सेवर है, बैटरी सेवर के साथ इसको इस्तेमाल कीजिएगा तो 10 मिनट से ज़्यादा ये नहीं देता है। जो चार्जिंग का स्टेटस वगैरह बिल्कुल बहुत सारे फंक्शन है जो कि आप जाकर के वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। ये मुझे 3200 का पड़ा है, आप ऑफर पर इसको 3000 रुपये तक आराम से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट की तरफ, तो वो है मॉनिटर। तो दोस्तों ये जो मॉनिटर है ये OnePlus का मॉनिटर है, इसको मैं रिसेंटली मैक मिनी के साथ ही परचेज किया था। और ये जो E24 का मॉडल है ये 1080p का है, फुल HD मॉनिटर है जो कि 12,000 में आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा। और ये अपने प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करता है और इसके जो कलर है बिल्कुल शानदार है, मूवी देखने में, मीडिया कंजम्पशन में और एडिटिंग में बिल्कुल मस्त चलता है और इसकी क्वालिटी बिल्कुल शानदार है। तो इस तरह से ये दिखता है। आप अगर आप लेना चाहते हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आपको चैनल पर बिल्कुल इसका वीडियो मिल जाएगा। अगली इक्विपमेंट की बात करते हैं तो ये है बोट का स्पीकर। ये बोट 1000 का स्पीकर है, ये बिल्कुल शानदार और वीडियो एडिटिंग या मूवी वॉच करने या सॉन्ग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मजा आ जाता है, बहुत साउंड लाउड है इसका। और आप इसका फुल डिटेल वीडियो भी अगर देखना चाहेंगे तो चैनल पर मिल जाएगा, सारे चीज का चैनल पर डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो मोबाइल दोस्तों यहीं पर पड़ा रहता है, ये वीवो का V23 मॉडल है जो कि इसका भी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा मैक मिनी 2 का सेटअप। आपको ये सेटअप कैसा लगा और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए और कमेंट्स तो करना नहीं भूले, क्योंकि मैं कमेंट्स को अगले वीडियो में जरूर से शो करता हूँ। तो दोस्तों ये कुल इस तरह से इतने सारे चीजें आपको खरीदना पड़ता है। और एक दोस्तों अगर ये इससे ज्यादा आपको हब की आवश्यकता होती है पोर्ट्स की, तो आप एक हब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हब का भी वीडियो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा जो कि मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।